हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए एक कपड़े, देखिए जैसे अब मैंने ट्राउज़र बनाया था तो उसके साथ ही लंबी लंबी पट्टियां सी जो रह जाती साइड से कटिंग की, तो उसमें से मैंने ये देखिए ये पट्टी निकाली है। और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, लेंथ है इसकी 21 इंच। तो ये दो पट्टी 21 इंच की मैंने ये रेड कलर की, ये मैरून से कलर की है, रेड ही है ये डार्क। और ये दो ग्रीन कलर की, काई कलर जिसे कहते हैं, ये देखिए दो पट्टी मैंने इस कलर की ली है। अब हम क्या करेंगे, पहले दिमाग में आया क्या बनाऊँ इसका, क्योंकि ये कपड़ा बहुत बच गया था ट्राउज़र में से, तो मैंने ये पट्टी काट के रखी है। अब देखिए इसका मैं इस यूज़ बताऊँगी आपको। ये देखिए दो दो पट्टी ना इस कलर की करके ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे, ऐसे रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर, तो ये इस तरह की हो जाएगी। इसके ऊपर फिर ये रेड कलर की पट्टी रखेंगे इस तरह से, फिर सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके, तो ये इस तरह से सीधी इस तरह से हो जाएगी। फिर लास्ट में ये फिर ग्रीन वाली पट्टी ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे, तो इसे पलटेंगे। पलटने के बाद हम क्या करेंगे तो मैं आगे बताऊँगी आपको, पहले मैं इसे जोड़ लेती हूँ मशीन से, तो अभी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने चारों पट्टियों पर ये सिलाई लगा ली है ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे, ढाई ढाई इंच का निशान लगा के ना, ये देखिए ढाई ढाई इंच का मैं ये कट कर लूँगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे ही 8 हैं ये, तो इन पे निशान लगा के हम ऐसे करके कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे जोड़ना है कि रेड पे ग्रीन आए, ग्रीन पे रेड आए, इस तरह से। ऐसे ही इसको भी करना है, पलट लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है हमने, पलट लेना है। इस तरह से इनको हम सिल लेंगे, जैसे इसको सिला रखा है वैसे इसे रखा है मैंने, सबको हम सिल लेंगे। सिलना कैसे है, ऐसे उल्टा करके सिलाई लगा लेंगे, फिर सीधा कर लेंगे, फिर इसे उल्टा रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, सीधा कर लेंगे, इस तरह से लास्ट को भी ऐसे उल्टा करके सीधा, ये हमारे जुड़ जाएंगे। तो मैं आपको जोड़ के बताती हूँ इन्हें। देखिए मैंने ये सारे जोड़ लिए हैं, ये देखिए सिलाई लगा ली है मैंने इसमें। अब क्या करेंगे, इन साइडों के लिए हम कोई सा भी कपड़ा, जैसे मेरे पास ये सूट का बचा हुआ कपड़ा था ये, तो ये मैं इसके साइज़ का ले लूँगी। ये 3 इंच चौड़ा है, ये 2.5 इंच की पट्टियाँ थी, तो इतना जितना ये है उतने हिसाब से हम इधर की और चारों तरफ की पट्टियाँ हम ले लेंगे इसी साइज़ की। ये देखिए एक पट्टी इधर की होगी और एक ही पट्टी 3 इंच चौड़ी है ये यहाँ की होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको पहले सिल लेंगे, इसके साथ ऐसे उल्टा रखेंगे और ये सीधा हो जाएगा ऐसे सिलाई करके। इसको भी इस तरह से उल्टा रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे, तो ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, अब इधर के लिए हमें पट्टी चाहिए, तो वो भी हम नाप लेंगे कितनी पट्टी हमें चाहिए। इतनी ही चौड़ी जितनी है, दो पट्टियाँ हमें साइडों की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये कपड़ा बचा हुआ है सूट का तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा सा है ये, ये निशान लगा लिया मैंने। अब मैं ये कट कर लूँगी इसी साइज़ में, दो पट्टी और मैं कट कर लूँगी, ऐसे हम जोड़ लेंगे, पट्टियाँ हो गई
ये दो छोटी वाली पट्टी इस साइड की, और ये वाली होगी हमारी इस साइड की। छोटा बड़ा हो जाएगा हम कट कर लेंगे सिलने के बाद। ये इधर की हो जाएगी। इस तरह से हम इस वाले को भी, इस वाले पीस को भी इस तरह से जोड़ लेंगे इस वाले पट्टियों से। तो मैं दोनों को जोड़ के अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने ये साइडों में मैंने ये पट्टियाँ जोड़ ली हैं, और इनके साथ ही इसी साइज़ का मैंने इनकी लाइनिंग भी कट कर ली है। ये देखिए, ये लाइनिंग है अंदर जो लगाएंगे हम बैग के अंदर। ये मैं बैग बनाना बता रही हूँ आपको, बहुत प्यारा छोटा सा हैंड बैग, आपका छोटा मोटा सामान इसमें आ जाएगा, इस साइज़ का बना रही हूँ मैं। और आप चाहें तो कुशन भी बना सकते हैं ऐसे डिज़ाइन करके, कुशन कवर भी बन सकता है आपका इसका। तो ऐसे पहले डिज़ाइन बना लें और साइड में पट्टियाँ लगा के एक कुशन कवर भी बन सकता है। पीछे प्लेन लगा के कपड़ा, जैसे ये हमारा बैक साइड का हो गया ये, और ये हमारा, ये देखिए एक कुशन कवर हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरे वाली लाइनिंग इसके साथ लगा देंगे तो ये हमारा कुशन कवर रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कुशन कवर बना सकते हैं। मैं इसका प्यारा सा हैंड बैग बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, दो कुशन कवर हमारे रेडी हो जाएंगे इस तरह से। तो मैं बना रही हूँ बैग, छोटा सा हैंड बैग। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबको इस तरह रख लेंगे इन चारों पीसेस को। एक बराबर रख लेंगे, और बेस के लिए हम क्या करेंगे, बेस बनाने के लिए हमें इसे कट करना है। तो मैं चारों एक साथ रख रही हूँ, और साइड में जो हम कट लगाएंगे दो दो इंच का, वो मैं अब इसमें लगा दूँगी। बॉक्स टाइप का बैग बनेगा ये। देखिए, यहाँ से दो दो इंच का बॉक्स बना लेंगे, दो इंच या ढाई इंच का भी बना सकते हैं। दो इंच का बना रही हूँ मैं, ये दो इंच का है। एक साथ इसलिए रख दिया कि एक साथ एक जैसा कट जाएगा, इसलिए। ये देखिए, इनको अलग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें पॉकेट लगानी है अंदर की साइड में। तो पॉकेट कैसे लगाएंगे, तो पहले मैं इसको, देखिए मैंने साइड ये कपड़ा लिया है पॉकेट के लिए, और ज़िप मेरे पास कोई सी पड़ी है, अंदर लगानी है तो मैंने कोई से भी कलर की ज़िप ले ली है। तो सबसे पहले इस ज़िप में उल्टा करके इस तरह ऐसे अटैच करेंगे, पहले से उल्टा सिलेंगे, ऐसे सिलाई लगा लेंगे, फिर ये सीधा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी सिलाई लगा के मैं भी आपको दिखाती हूँ दोनों पॉकेट्स पे, दोनों जो ये लाइनिंग है दोनों लाइनिंग पे मैं पॉकेट लगा रही हूँ। तो इसलिए मैंने दो कट किए हैं ये पीसेस। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है पॉकेट का। मैं बताती हूँ आपको, लेंथ इसकी, विड्थ इसकी है 8.5, और लेंथ इसकी है 7.5। तो मैं भी आपको ये अटैच करके बताती हूँ दोनों पॉकेट्स में ज़िप, और साथ में इसे भी सिल के बताती हूँ इसमें। ये देखिए, मैंने इसमें दोनों में, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों में मैंने ये ज़िप लगा दिया है, ये पॉकेट वाली। ये हमारी दो पॉकेट्स हो जाएंगी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये मेन पार्ट था हमारा ऊपर का, सबसे पहले हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे। फिर इस पर ज़िप अटैच करने के बाद ये लाइनिंग वाला कपड़ा है जो है ये अटैच करेंगे, इसको ऐसे सीधा कर देंगे। जो इस, फिर जब ये सीधा हो जाएगा तो ये अंदर की साइड इस तरह से आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ज़िप लगाना बताऊँगी। ज़िप मैं इसी साइज़ की कट कर लेती हूँ, नाप के देखती हूँ कितनी है। एक्स्ट्रा ज़िप लेनी पड़ती है क्योंकि साइडों से हमें रखना पड़ता है थोड़ा मार्जिन। 13 इंच की ज़िप लगेगी इसमें, तो मैं 13 इंच की ज़िप काट के इसमें लगा दूँगी। देखिए, ज़िप को उल्टा रखेंगे। मैंने इसमें लॉक पहले लगा लिए हैं,
ये देखिए अब सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। ये सिलाई लगा ली, पहले मैंने इसके साथ जिप अटैच कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे ये लाइनिंग वाला जो है हमारा कपड़ा वो इसके साथ ऐसे अटैच करेंगे। ये देखिए पहले ऐसे करा, फिर इसे पीछे पलट लिया, जिप उल्टी हो गई है। अब इसी उल्टे में जिप उल्टी करने के बाद ये कपड़ा भी उल्टा ही रखना है हमने जिसमें हमने जिप लगाई है। तो इसको जितना हिस्सा हमारा यहाँ पर जिप का साइड से बचा हुआ है उसमें ही हम सिलाई लगा लेंगे कपड़े को रख के इस तरह से, जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। देखिए इस तरह से है, इसे पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारा अंदर की साइड हो गया, ये देखिए। अब क्या करेंगे इस पर हम ये वाला लगाएंगे, ये वाला पीस है दूसरा, इसको अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए जुड़ गया है ये। अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे रखेंगे, हम इसको ये देखिए इधर की साइड हो गया, इस साइड हमें इसे रखना है इस तरह से और सिलाई लगा लेनी है हमने। ये देखिए हम क्या करेंगे इन दोनों पीसेस को पहले जोड़ेंगे। पहले इस पर सिलाई लगा लेंगे हम। इधर सिलाई लगा ली, अब हम क्या करेंगे इस पर सिलाई लगा लेंगे, लेकिन हमें सीधा करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बीच का थोड़ा गैप हम छोड़ देंगे, जितना हमें सिलाई नहीं लगानी है तो इतना इतना हम छोड़ देंगे सीधा करने के लिए बैग को। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिलना है, फिर इतना छोड़ देनी जगह, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है क्योंकि बैगों में सीधा भी तो करना पड़ेगा। तो सीधा करने के लिए हमने ये जगह छोड़ दी है इतनी, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक हम छोड़ देंगे। देखिए मैं लगा के आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक लगा लेंगे। यहाँ तक लगा लिया हमने, इतना छोड़ देंगे हम यहाँ से, वापस फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो इतना मैंने छोड़ दिया है सीधा करने के लिए, तो सिलाई लगा ली हमने इधर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ सिलाई लगानी है
इस वाली साइड भी लगा लूँ। सिलाई लगा ली है, अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ ये बॉक्स बनाए थे हमने उसको ऐसे बराबर रखेंगे, सिलाई पे सिलाई रख के इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ऐसा इधर ही करेंगे, चारों कोनों पे ऐसे करेंगे, ऐसे मिला के सेंटर से सेंटर में लाएंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जहाँ जिप है यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, इधर भी ऐसे करेंगे, जो लाइनिंग का कपड़ा है इसमें भी ऐसे बराबर रख के सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस पर भी ऐसे करेंगे, देखिए एक करके दिखाती हूँ मैं आपको। लाइनिंग वाले चारों साइडों पे भी ऐसे करेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसमें भी ऐसे करेंगे। ये देखिए ऐसे इधर ही करेंगे, चारों साइडों पे ऐसे ही सिलाई लगानी है। जो बॉक्स हमने बनाए दो दो इंच के कट किए थे वो इस तरह से मैंने साइडों से सिल लिया है सारा, चारों साइडों से। पॉकेट वाले जो अंदर जो हमने लाइनिंग लगाई थी उसमें भी और इसमें भी मेन फैब्रिक में भी। अब ये जो हमने यहाँ से इतना छोड़ा था खुला हिस्सा, इससे ही हम इसको सीधा करेंगे बैक को। देखिए बैग हमारा सीधा हो गया, और ये जो हमारा है इसको हम पहले यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। जो ये खुला हिस्सा था इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, बंद कर देंगे पहले इसको, हम अंदर कर देंगे इस तरह से। ये हमारा पॉकेट वाली, टू पॉकेट्स हैं इसके अंदर, एक मेन ऊपर हो गया। तो ये देखिए कितना अच्छा सा बैग बन के रेडी हो गया। मोटे कपड़े का तो और भी अच्छा बनता है, ये तो सूट के बचे हुए पीछे पीसेस जो थे उनसे बना है। अगर आपके पास कोई और मोटा कपड़ा हो तो उससे भी प्यारा बैग बन जा गया हमारा। देखिए कितना प्यारा बैग बन के रेडी है। अब हम इसमें ये स्ट्रिप लगाएंगे, बड़ी स्ट्राइप लगाएंगे तो हम इतनी बड़ी नहीं लगाएंगे, हम छोटी लगाएंगे। ये देखिए पॉकेट कितनी अच्छी बन गई है, बड़ी सफाई से बनाया है ये। ये देखिए कहीं से भी रफ एजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने इस तरह से बनाया है बैग, ये कहीं पर भी रफ एजेस नहीं दिखेंगे। ये हमारा हो गया बैग बंद। बस हमें अभी हमारा स्ट्रैप लगानी बाकी है। ये स्ट्रैप में इसी कपड़े का बचा हुआ जो टुकड़ा है उनको जोड़ के ही बनाऊँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये स्ट्रैप मैंने इनको जोड़ के बनाई है पट्टियों को, तो इसको इस तरह से डबल करके बनाएंगे, ये थोड़ा मजबूत बन जाएगी। तो मैंने डबल को भी डबल कर लिया है। ये देखिए पहले ये कपड़े को डबल करा है, फिर इसको एक बार ऐसे फोल्ड करके एक बार और डबल करा है, इससे बहुत अच्छी मजबूत बन जाएगी। ये कैसे लगाया मैंने, देखिए मैंने ये जिप खोल ली थी ऐसे करके, और ये स्ट्रैप का निशान लगा लिया कहाँ कहाँ में लगानी है। यहाँ निशान लगाया, यहाँ निशान लगा के गैप देख लिया कितना है, इतना ही गैप हमने यहाँ रखा है। और ये फिर ऊपर से सिल लिया मैंने खोल के, ऐसे तो सिलेगा नहीं है, खोल के ही सिलेगा। ये देखिए ये हमारा बैग रेडी है, इसमें अपना छोटा मोटा सामान, कहीं जा रहे हैं तो बच्चे का छोटा सामान, नैपे वगैरह, दो जिप मैंने इसलिए लगाई है, एक अगर ख़राब हो जाए तो दूसरी हमारी यूज़ हो सकती है। देखिए कितना अच्छा बैग बन के रेडी है। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये पतले कपड़े का बना है सूट के बचे हुए कपड़े से, अगर आपके पास मोटा कपड़ा है कोई तो आप उससे बना सकते हैं, शर्ट या पैंट के कपड़े से बना सकते हैं। ये तो सूट के बचे हुए टुकड़े जो थे हमारे पास वो मैंने यूज़ किया है। तो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा आपको ये।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।